जय गो माता, जय गोपाल। जय गो माता, जय गोपाल। राम राम भाई साहब। राम राम जी। जी सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय करवा दो। मेरा नाम धर्मपाल है। अच्छा। और गांव बालाराजपुरा, तहसील पदमपुर और जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान। ठीक है जी, ठीक है। मैं बहुत सारी गौ माताएं देख रहा हूँ। हाँ जी, चारों तरफ गौ माताएं नजर आ रही है। बिल्कुल। कितनी गौ माताएं हैं भाई साहब आपके पास? 135-135 नग है टोटल, छोटे बड़े मिला के। छोटे बड़े। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। ओ, ये आप गोपालन कितने समय से करते आ रहे हो? ये भाई जब हम छोटे छोटे थे तब से ही कर रहे हैं। अच्छा, पीढ़ियों से चल रहे हैं। अच्छा, तो कौन सी नस्ल को आप ज्यादा प्राथमिकता देते हो? कौन सी नस्ल की? पहले तो ज्यादा राठी पे थे, अब धीरे धीरे साहीवाल पे कर रहे हैं। नंदी चेंज किए हैं जैसे भी। अच्छा अच्छा, पहले राठी थी, अब साहीवाल पे आपका फोकस है? अभी पीछे बच्चे जो आ रहे हैं वो साहीवाल के हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ठीक है भाई साहब। भाई साहब ये बताएं कि अभी इनमें दूध देने वाली गौ माताएं कितनी हैं? अब यहाँ पे दूध देने वाली लगभग 30-32 गायें हैं। 30-32 गायें। हाँ जी, ठीक है भाई साहब। और इनका कितना लीटर दूध हो जाता है डेली का? इनका एवरेज में 5.5 लीटर की एवरेज आती है, ताजी ब्याई और काफ़ी टाइम की ब्याई में। अच्छा अच्छा, 5.5 लीटर एक समय का। हाँ जी, ठीक है भाई साहब। पहले गायों के गौ माताओं के बहुत ज़्यादा दूध हुआ करता था, और अब धीरे धीरे हर साल कम होता जा रहा है, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हो? इसका कारण तो जी यही है, मिक्स ब्रीड होगी, इन ब्रीडिंग मिक्स ब्रीड, इस वजह से ये नई सिस्टम हो रहा। इस पे अच्छे से यदि राठी पे भी अपने अच्छे से काम करें तो दूध होता है, 10-10 किलो टाइम का देती है। अच्छा अच्छा। और साहीवाल भी देती है, और मिक्स हो के वो कोई पशु कहीं का हो गया, कोई कहीं का हो गया, उस वजह से थोड़ा अच्छा ये है जी। ठीक है जी। और आप नस्ल सुधार पे किस तरह का कार्य कर रहे हो? मैं पहले तो AI करवाई थी जी। अच्छा भाई, 2 साल पहले मैंने 20 गायों की AI करवाई, उसमें से 3 ही रही मेरी प्रेग्नेंट, रही नहीं। अच्छा अच्छा। और उसके बाद मैं नंदी ले आया। अच्छा जी। तो अब मैं AI वाले पे, वैसे भी थोड़ा प्राकृतिक भी नहीं है वो। हाँ, थोड़ा प्रकृति के साथ ऐसा नहीं मानते जी, कुछ जी, जी। एक दो पशु हो फिर तो चलो नंदी नहीं रख सकते जी, जी, लेकिन अपने पूरे पशु है तो 2 नंदी अपने रख रखे हैं। अच्छा जी। और उनसे आगे ये बच्चे छोटे आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं। आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो कि आप AI ना करवा के जो प्राकृतिक तरीके से जो गर्भधारण, उस पर आपका ध्यान है, ये भी बहुत एक सराहनीय कार्य है आपका जी। तो भाई साहब, इनका खान पान आप किस तरह से मैनेज करते हो? क्या क्या खिलाते हो कि अच्छा दूध देंगे माताएं? अब तो जैसे ये ओपन ग्रेजिंग में जा रही है। अच्छा जी, बाहर खेतों में, जैसे खुला जब तक है जी, और बाद में ये मूंग का नीरा है, जई है, तूड़ी है, ये है। अच्छा, खड़बांटे में मूंग की चूरी, मक्की, मिश्रण, ये मोठ है, चोकर है, ये डालते हैं। अच्छा, रेडीमेड फीड नहीं देते वैसे। अच्छा, रेडीमेड फीड पे आपका ध्यान कम है। हाँ जी, कि बाजार पे निर्भरता कम रहे। हाँ, जो नेचुरल है वो मिले इनको, वो इनको मिलता रहे तो उनमें कोई दिक्कत भी नहीं आती। जी जी जी, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप भाई साहब। इतनी आज के समय में इतनी गौ माताएं एक घर में तो देखने को मिलती ही नहीं है। नहीं जी, है अपने तो। हाँ जी, हाँ जी साथियों, देख सकते हो इधर से लेके आप देखो, चारों तरफ गौ माताएं हैं, और आपका तो पूरा परिवार ही इसमें लगा हुआ। हाँ जी, इसी में है, क्योंकि एक बंदा तो मैनेज कर नहीं सकता। नहीं, बाकी लेबर की बहुत प्रॉब्लम है जी। अच्छा, कोई आजकल ये अच्छे लेबर वाले मिलते नहीं है। हाँ, तो खुद ही करना पड़ता है। हाँ जी, आपको इस कार्य के लिए, इस नेक कार्य के लिए मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, आपको इन भाई साहब का गोपालन कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर गोपालन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो इन भाई साहब का नंबर मैंने आपको वीडियो में दे ही दिया है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, जल्दी मिलेंगे एक और गोपालक भाई के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गो माता, जय गोपाल, राम राम, धन्यवाद।